नमस्कार फ्रेंड, IMR ट्रेडिंग चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। फिर से आप लोगों के पास टेक्निकल वीडियो हम लाए हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो के बारे में बात करने से पहले आपको सब लोगों को बता देते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए। लाइक करने से थोड़ा अच्छा लगता है बाबू, प्लीज़ मेरे चैनल का वीडियो ज़रूर लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले बोलेंगे कि हम लोग सब ने जाने होंगे रेडमी, जिस तरह से जियो हम लोगों को सस्ता में बहुत अच्छा चीज़ दे रहा है, वैसे रेडमी जो कंपनी सभी जानते होंगे, रेडमी का मोबाइल जो एक के बाद एक लॉन्च हो रहा है, तो बहुत ही सस्ता में बहुत ही अच्छा क्वालिटी का फ़ोन दे रहा है। हम खुद रेडमी 4 यूज़ कर रहे हैं और देख रहे कितना अच्छा फ़ोन है। तो दोस्तों, अभी रेडमी से न्यूज़ आया है कि रेडमी ने एक साथ दो फ़ोन लॉन्च किया है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में से बात करने से पहले आप लोगों को बता दें, मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। फ्रेंड्स, रेडमी का Y1 लाइट गोल्ड, एक्चुअली ये गोल्ड है, ये वाला एक फ़ोन लॉन्च किया है। और रेडमी Y1 एक फ़ोन लॉन्च किया है, तो एक एक के बाद एक एक करके सब दोनों फ़ोन का ही डिटेल्स बताएंगे आपको। तो दोस्तों, आप वीडियो एंड तक देखिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं रेडमी Y1 के बारे में। तो दोस्तों, इस फ़ोन का दाम क्या है, 6,999 रुपये। एक्चुअली रेडमी 4 का सेम दाम है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस फ़ोन में क्या क्या सिस्टम मिलेगा हमको। रेडमी फ़ोन में इसमें देखिए 13.9 cm 5.5 डिस्प्ले है, इसमें 13 MP फ्रंट कैमरा है PDF का, और आपका SD माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी है, और आपका 425 क्वालकॉम प्रोसेसर है। एक्चुअली रेडमी 4 से थोड़ा कम प्रोसेसर है इसमें। रेडमी 4 में प्रोसेसर था 435 का, तो इसमें थोड़ा पुराना वाला प्रोसेसर दे दिया है और इसमें फीचर्स और भी बहुत अच्छा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं और क्या 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 फीचर्स है इस फ़ोन में। इस फ़ोन में आपका बैटरी है 3080 का, रेडमी 4 में था 4100 का बैटरी था उसमें। हम तो मगर सेम सही ले रहा है, मगर एक्चुअली इसका कैपेसिटी जो बता रहा है 11 डेज स्टैंड बाय देगा, ऐसा कुछ बता जा रहा है रेडमी की तरफ से। तो दोस्तों, 35 घंटा अगर आप कॉल करिएगा तो आपका करीब ये वाला फ़ोन चल जाएगा। अगर गेमिंग करिएगा तो 35 घंटा, अगर आप वीडियो वगैरह पूरा प्ले करिएगा तो इसमें करीब 16 घंटा इसमें आप चला पाइएगा आराम से। थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर जिस तरह से हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा कमी है इसका बैटरी। चलिए दोस्तों, इसका देखते हैं 1425 का प्रोसेसर है, प्रोसेसर बहुत अच्छा है, गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है, मगर रेडमी 4 से थोड़ा कम है। मगर और चलिए देखते हैं और इसमें क्या है। इसमें देखिए स्मार्ट सिस्टम है, जैसे इसका सेल्फी वगैरह जो आता आएगा, ये सेल्फी स्पेशल बोला गया कि इस फ़ोन का जब एडवर्टाइजमेंट चल रहा था तो उस टाइम में देखा गया है कि इसका सेल्फी जो आता है बहुत अच्छा सेल्फी आता है इसमें। इसमें कैमरा 13 MP का आपका कैमरा है, सेल कैमरा। चलिए दोस्तों, दूसरा देखते हैं इस फ़ोन में जो सिस्टम हम लोग पहले देखते थे कि मेरा सिम में अगर दो सिम हम यूज़ करते तो मेमोरी कार्ड हमने यूज़ नहीं कर पाते। रेडमी 4 में यह सिस्टम है, अगर हम मेरा दो सिम है तो हम दो सिम यूज़ कर पाएंगे, तो SD कार्ड यूज़ करने नहीं सकेंगे। तो दोस्तों, इस फ़ोन में आप दोनों सिम भी यूज़ कर पाइएगा और SD कार्ड एक्स्ट्रा करके आप यूज़ कर पाइएगा। जैसे अभी हम इस फ़ोन यूज़ कर रहे हैं रेडमी 4, तो इसमें हम मेरा दो सिम लगा हुआ है और मेरा SD कार्ड हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको दिखाई पड़ रहा होगा नेटवर्क में मेरा दोनों सिम चल रहा है और
हम स्टिकर लगाया हुआ नहीं है तो हम दिखा भी देते हैं। चलिए दोस्तों, इस फोन में आपको स्टिकर दिखा देते हैं। सेटिंग में गए, देखिए स्टोरेज दोस्तों आप देख पा रहे हैं टोटल इतना है। फोन मेमोरी हम यूज़ कर रहे हैं 16 GB और 2 GB का फोन है। तो दोस्तों देखते हैं, चलिए दोस्तों इसमें तब आप स्टैंड बाई दोनों सेम और स्टैंड बाई 1 मेमोरी कार्ड आप यूज़ कर पाइएगा। और एक बेटर इसमें है MIUI 9, इसमें अपग्रेड है। जैसा हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं MIUI 8, अपडेट हुआ है रिसेंटली, अपडेट का मैसेज आया होगा, आप सभी ने देखे होंगे। तो ये अपडेट आया था हमने, मगर इस फ़ोन में आपको इंस्टेंटली MIUI का 9 अपडेट आपको मिल जा रहा है। उसके बाद अगर 10 आएगा तो 10 भी अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका रेडमी Y1 लाइट का। तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं Y1 का, देखते हैं इस फ़ोन का दाम क्या है, 8,999 रुपये। चलिए दोस्तों देखते हैं इस फ़ोन में Redmi 4 का एक सिस्टम दिया हुआ है, जैसा इसमें फिंगर है, मगर हम लोग उस फ़ोन में फिंगर नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस फ़ोन का डिटेल्स क्या है। Redmi Y1 का 16 MP सेल्फी कैमरा है। इसमें कैमरा जो है बहुत हेवी कैमरा है, 16 MP कैमरा है। ओ एक्चुअली इसके बारे में आप पढ़ लिए होंगे कि इसका सेल्फी क्या है, किस तरह का सेल्फी आता है, बहुत हेवी सेल्फी आता है। अगर आप फोटो लीजिएगा एक जगह में इसका डिटेल्स लिखा हुआ था, देख रहे थे, तो जो फ़ोटो आप लीजिएगा आपका आई लेंस दिखाई पड़ेगा इस फोटो में। दोस्तों 16 MP फ्रंट फेस की सेल्फी कैमरा है, फुल्ली स्पेशल ऑफ सेल्फी, जैसे वीवो ओप्पो वगैरह सेल्फी स्पेशल, तो रेडमी ने हम लोगों को सेल्फी स्पेशल एक तो फ़ोन गिफ्ट कर ही दिया। जो दोस्तों अभी कंपटीशन मार्केट है, सब आगे पीछे दौड़ते रहेगा, हम आपके पीछे दौड़ रहे हैं, वो लोग सबके पीछे दौड़ रहा है। तो दोस्तों देखते हैं दूसरा इस फ़ोन में क्या क्या फीचर्स है। LED सेल्फी लाइट है, इसमें सेल्फी लाइट भी आपको मिल जाएगा। और इसका कैमरा जो है बहुत हेवी कैमरा है, 16 MP फ्रंट कैमरा है। और इसमें स्विप लेंस, आपका आई लेंस भी इसमें शो करेगा। और स्मार्ट ब्यूटी प्रोफाइल भी इसमें शो करेगा। देख रहे किस तरह का फ़ोटो आया इस फ़ोन में। और इस फ़ोन में 13.9 cm 5.5 HD डिस्प्ले है, मगर उस फ़ोन में HD डिस्प्ले नहीं था, मगर इसमें HD डिस्प्ले है। Redmi 4 में भी HD डिस्प्ले है, मगर इसमें थोड़ा बैटरी कम कर दिया है। इसमें बैटरी दे दिया है 3080 का, बैटरी बहुत ही कम है। तो उस हिसाब से ये फ़ोन करीब 21 घंटा आप कंटिन्यू यूज़ कर पाइएगा विथ आप करीब 12 hours पर गेमिंग है 20। अगर आप वीडियो वगैरह प्ले करिएगा तो मिनिमम करीब आपको 12 घंटे तक ये फ़ोन चल सकता है, गेमिंग वेमिंग सब कुछ करके, इंटरनेट वगैरह सब कुछ करके। तो दोस्तों इस फ़ोन में और क्या फीचर्स है चलिए देखते हैं। इस फ़ोन में स्नैपड्रैगन का क्वाड कोर प्रोसेसर जो दिया है, 435 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया है। रेडमी 4 का जो प्रोसेसर है 435 का प्रोसेसर है, इसमें सेम वही प्रोसेसर दिया हुआ है। ये फ़ोन सबसे बढ़िया इस फ़ोन में आपको जो मिलेगा वह है आपका कैमरा। कैमरा बहुत हेवी कैमरा है, Redmi का कोई फ़ोन का कैमरा ख़राब रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, सब फ़ोन का कैमरा बहुत अच्छा है। हम खुद Redmi यूज़ कर रहे हैं, Redmi का सर्विस भी बहुत बेटर है। तो दोस्तों इस फ़ोन में भी आप डुअल सिम दोनों सिम एक साथ चला पाइएगा। और एक तो माइक्रो SD कार्ड एक्सपेरिमेंट मेमोरी अभी यूज़ कर पाइएगा up to 128 GB का। तो दोस्तों इसमें आप दोनों सिम भी लगा पाइएगा और आपका SD कार्ड भी लगा पाइएगा। दोस्तों इस फ़ोन में एक बेटर फैसिलिटी है, अभी सब फ़ोन में ये चीज़ होना चाहिए सिक्योरिटी के लिए, फिंगरप्रिंट स्कैन। ये बहुत ही अच्छा चीज़ इसमें दिया है, जैसे Redmi 4 मेरा फिंगरप्रिंट स्कैन है इसमें। दोस्तों इस फ़ोन में इनबिल्ट है।
और इस फ़ोन में फीचर्स नया अपडेट MI UI का 9 अपग्रेड है ऑलरेडी। अभी मेरा फ़ोन में आपको दिखाते चलिए, मेरा फ़ोन में अभी अपडेट MI 8 का कुछ ही दिन आगे आए थे। आप लोग अगर जो आदमी रियलमी यूज़ कर रहा है उनको पता है जैसे मेरा MI अपडेट है ऑलरेडी, तो उस फ़ोन में इनबिल आपको MI 9 का अपडेट मिल रहा है। नेक्स्ट अगर आता है अपडेट तो अपडेट आप कर पाइएगा आराम से। तो दोस्तों ये फ़ोन का था ये फीचर्स। मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और घंटा को ज़रूर दबाइए। घंटा दबाइएगा तो इधर से कुछ आवाज़ जो हम करेंगे तो आपके पास घंटा बजेगा, इसलिए घंटा दबाना बहुत ही ज़रूरी है। Thank you.